हेलो गाइस, वेलकम बैक टू BSW स्टॉक्स एंड फाइनेंस। मैं अनिकेत बसवानी फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है हमारी के टॉप 10 बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर्स इन इंडिया फॉर 2023 कौन से होंगे। तो डिस्काउंट ब्रोकर्स की बात है तो वैसे जनरली मेरी राय आपको हमेशा यही रहती है कि आप डिस्काउंट ब्रोकर्स को छोड़ के फुल सर्विस ब्रोकर्स के पास जाइएंगे, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। बट अगर स्टिल आपकी मेंटेलिटी है कि आपको डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ही रहना है, देन इट्स नो प्रॉब्लम। हम आपको आज दिखा देते हैं। एज यू कैन सी, ये जो पेज आपके सामने दिख रहा है, दिस इज आर वेबसाइट, हमारी वेबसाइट है। आप देख सकते हैं BAZAARBADSHAH.com, विच मीन्स bazaarbadshah.com। ये आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसा पेज खुल जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे IPOs के बारे में जानकारी ले सकते हो। फिलहाल एक ही आर्टिकल डाल रखा है, न्यूज़ में भी फिलहाल हॉलीडेज का आर्टिकल डाल रखा है, क्योंकि अभी अभी न्यू वेबसाइट है, कुछ एक हफ्ता हुआ है, इसमें और कंटेंट आता रहेगा। और ब्रोकर्स में ये रहा टॉप 10 बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर्स इन इंडिया 2023। ये आर्टिकल अपन आज आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक ब्रोकर टॉप 10 में से। और दिस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी कैन मेक यू रिच, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बना चुका हूँ, तो मेक श्योर कि आप एक बार देख लीजिए जाके। तो आज बात कर लेते हैं, चलो टॉप 10 बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर्स इन इंडिया 2023। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपन टॉप 10 की लिस्ट। सबसे पहले हमारे हिसाब से फर्स्ट आता है ज़ेरोधा, बिकॉज काफ़ी टाइम से ज़ेरोधा है स्टेड इन टॉप, और अभी कस्टमर बेस के हिसाब से भी इसका कस्टमर बेस कंपेरेटिवली अच्छा खासा है 2023 के हिसाब से। तो ब्रोकरेज चार्जेस आप देख सकते हैं डिलीवरी इंस्ट्रूमेंट्स में 0.20 रुपीज और 0.03% विच एवर इज लोअर पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर ऑन इंट्राडे ट्रेड्स अक्रॉस इक्विटी करेंसी कमोडिटी एंड 20 रुपीज ऑप्शंस में, म्यूचुअल फंड्स 0। ओवरऑल ज़ेरोधा एक अच्छा सजेशन रहेगा बिकॉज डिस्काउंट ब्रोकिंग में ये टॉप पे आता है। 6 मिलियन यानी 60 लाख के आसपास इसका क्लाइंट बेस है। ये सब डिटेल आपको आर्टिकल पे भी मिल जाएगी, आप देख सकेंगे बाद में जाके। 4.2 out of 5 का यूजर रेटिंग है। 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था बिजनेस, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है अपस्टॉक्स, 0 कमीशन ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड IPO, 20 रुपीज पर ऑर्डर ऑन इक्विटी FNO कमोडिटी एंड करेंसी, एंड डजेंट मैटर इंट्राडे हो या डिलीवरी हो, 20 रुपीज कटेगा, ऐसा वो कहना चाहते हैं। ये हमने डेटा उनकी वेबसाइट से ही फेच किया है, सब ब्रोकर्स की वेबसाइट से, ताकि आपको एक एक वेबसाइट पे जाके देखना ना पड़े। ओवरऑल रिव्यू काफ़ी अच्छा है, इनका भी अराउंड 60 लाख के आसपास, ठीक है, एक्यूरेट नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, 60 लाख के आसपास कस्टमर बेस है। एंड रतन टाटा ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है एंड IPL का स्पॉन्सर रह चुका है। 4.2 out of 5 का रेटिंग है, ठीक है, 2009 में एस्टेब्लिशमेंट था। तो अपस्टॉक्स कैन बी अ गुड चॉइस इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ डिस्काउंट ब्रोकिंग एंड यू डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन ज़ेरोधा। तो अपस्टॉक्स का हमने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे रखा है, अगर आप वो लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में लाइफ टाइम के लिए फ्री में ऐड कर देंगे, जहाँ पे आपको डेली 1 से 2-3 कॉल मिलते रहेंगे एजुकेशनल पर्पज के लिए, ठीक है, और कोई टाइप की सर्विस आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी एक लिंक डाल दूंगा अकाउंट ओपनिंग की, ताकि आप आर्टिकल पढ़ते टाइम भी क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकें। थर्ड नंबर पे आता है हमारे हिसाब से एंजल वन, 0 ब्रोकरेज ऑन इक्विटी डिलीवरी एंड 20 रुपीज फॉर इंट्राडे FNO करेंसी एंड कमोडिटी। एंजल ब्रोकिंग के नाम से जाना जाता था, अब एंजल वन हो चुका है। 1997 पे एस्टेब्लिशमेंट है, 41 लैक्स के आसपास क्लाइंट है, लेकिन कंपेरेटिवली इसके ज़्यादा है। ये मेरे को वेबसाइट से कहीं और से फैच हुआ था डेटा, तो मे बी इससे ज़्यादा है 41 लैक्स से। एंड टॉप थर्ड पे आता है, थर्ड नंबर पे, बिकॉज 3.8 का रेटिंग है। इसका रेटिंग अगर थोड़ा ज़्यादा होता एंड कस्टमर बेस प्रॉबेबली ज़्यादा ही है तो इसको सेकेंड स्पॉट मिल जाता। तो चलिए फोर्थ नंबर पे आते हैं, पेटीएम मनी कैन बी अ गुड चॉइस फॉर यू, अगर आप 20 रुपीज़ से भी लो जाना चाहते हैं ब्रोकरेज में, तो ये 15 रुपीज़ आपको ऑफर करता है पेटीएम मनी, 2.5% ऑफ टर्नओवर और 15 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, विच एवर इज लोअर, ठीक है, यानी आप ओवरऑल 15 रुपीज़ समझ के चलो हर एक सेगमेंट में, एंड इंट्राडे में भी ऑप्शंस में भी, ठीक है। पेटीएम मनी में 3.2 का रेटिंग है कस्टमर बेस का, एंड 6 लाख के आसपास क्लाइंट बेस है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्लिक किया टू ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट इन पेटीएम मनी का ऑप्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन पे भी आपको पेटीएम मनी की लिंक मिल जाएगी, इसमें भी आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लाइफ टाइम के लिए फ्री में ऐड करने आ जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिकली इस लिंक से ही आपको ओपन करना पड़ेगा। फिफ्थ नंबर पे आते हैं फायर्स में ब्रोकरेज चार्ज, देखो फायर्स कैन बी अ गुड चॉइस, बट कंपेरेटिवली हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से वी डोंट फाइंड इट
गुड इनफ, ठीक है, वी डिडंट फाइंड इट गुड इनफ. जीरो ब्रोकरेज फॉर इक्विटी डिलीवरी, ETFs, थेमेटिक एंड म्यूचुअल फंड्स, 20 rupees और 0.03% विच एवर इज लोअर फॉर इंट्राडे एंड FNO. नॉर्मल जैसा ज़ीरोधा का है वैसा ही टाइप का है. एंड 1 lakh के आसपास कस्टमर बेस है एंड 4 out of 5 का रेटिंग है, ठीक है. ग्रो, नाउ यू विल थिंक भाई ग्रो काफ़ी एड वगैरह करता था तो मैंने इसको इतना नीचे वाला पोजिशन क्यों दिया है, बिकॉज ये लिस्ट मैं 2023 के हिसाब से बना रहा हूँ. तो 2023 में आपके लिए कौन से बेस्ट रहेंगे उस हिसाब से ग्रो 6 number पे आता है. और यही लिस्ट अगर मैं 2021 में बना रहा होता तो ग्रो प्रोबेबली 4 number पे आता. तो चलते 20 rupees और 0.05% विच एवर इज लोअर फॉर इक्विटी डिलीवरी, ओके, एंड 20 rupees फ्लैट इन इंट्राडे एंड FNO, ठीक है. 3 million के आसपास कस्टमर बेस है और 4 out of 5 का रेटिंग है. 2016 में स्टार्ट हुई थी कंपनी, ठीक है. ये डिटेल आपको उधर वेब आर्टिकल पे भी मिल जाएगी. 7 number पे आता है एलिस ब्लू, 0 इन इक्विटी डिलीवरी एंड 15 rupees पर ऑर्डर इन इंट्राडे एंड FNO. नाउ एलिस ब्लू व्हाई इज इन 7th पोजीशन, देखो एलिस ब्लू मेरे को अच्छी लगा करती थी पहले, बट पहले उनका ब्रोकरेज चार्ज 20 rupees हुआ करता था. देन आई डोंट नो व्हाई बट दे सडनली शिफ्टेड टू 15 rupees एंड विदाउट एनी रीजन. सो मुझे ऐसा लगता है हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि प्रॉबेबली बिजनेस इतना कॉम्पीट नहीं कर पा रहे होंगे, प्रॉबेबली इसलिए ऐसा है. तो इसलिए मैं इसको 7th पोजीशन दिया हूँ. 1 lakh के आसपास कस्टमर बेस है, 4 out of 5 का रेटिंग है. 2006 में कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी. 100% डिटेल एक्यूरेट नहीं है, आप क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ठीक है. 100% डिटेल एक्यूरेट तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, बिकॉज कुछ कुछ वेबसाइट्स इनकी उसमें भी ये डिटेल्स मेंशन नहीं थी, मेरे को थर्ड पार्टी के थ्रू डिटेल्स लेनी पड़ी, उस लिए मैं आपको बोल रहा हूँ. IIFL सिक्योरिटीज 8 number पे. IIFL सिक्योरिटीज फुल सर्विस ब्रोकर भी है बट एक डिस्काउंट ब्रोकर भी है. तो इनका डिस्काउंट ब्रोकिंग वाला पैक है 20 rupees फॉर डिलीवरी इंट्राडे एंड FNO एंड 10 lakh के आसपास कस्टमर बेस है. IIFL सिक्योरिटीज कैन बी अ रिलायबल चॉइस एंड ट्रस्ट वर्दी चॉइस अगर आप जाना चाहते हैं तो, बट यूजर इंटरफेस इतना अच्छा खासा नहीं लगा हमको एंड 2.6 out of 5 का रेटिंग है, ठीक है. नाउ 9th number पे आता है Mstock. Mstock मेरे को बिल्कुल रिलायबल नहीं लगा, ये मेरी चॉइस है, ठीक है. मेरा ओपिनियन है कि मेरे को ये रिलायबल नहीं लगता, बट यू कैन गो फॉर इट इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू नॉमिनली एंड ट्रेड काफ़ी कम करते हो आप ऐसा कुछ है तो. 1 lakh के आसपास कस्टमर बेस है, 4.2 out of 5 का रेटिंग है. ये भी मेरे को थर्ड पार्टी के थ्रू मिला है एंड आई एम नॉट श्योर कि ये एक्यूरेट है कि नहीं, बिकॉज इतना जल्दी 4.2 का रेटिंग मिलना काफ़ी टफ है किसी न्यू कंपनी के लिए. 999 rupees 1 time 0 brokerage इन एवरी सेगमेंट और 149 1 time फॉर अनलिमिटेड डिलीवरी ट्रेड्स एंड 20 rupees इंट्राडे एंड FNO, ठीक है. 10th number पे आता है कोटक सिक्योरिटीज. कोटक सिक्योरिटीज भी एक फुल सर्विस ब्रोकर है, साथ ही साथ एक डिस्काउंट ब्रोकर भी है. तो उनका अभी पैक ये है 20 rupees वाला एंड इंट्राडे ऑर्डर्स फ्री, बट डिलीवरी में इनकी कमाई ब्रोकरेज ज़्यादा है 0.025% और 20 rupees विच एवर इज हायर इन इक्विटी डिलीवरी. 12 lakh के आसपास कस्टमर बेस है विच इज़ अ गुड थिंग एंड 4 out of 5 का रीडिंग है विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग. एंड कोटक सिक्योरिटीज पे आप रिलायबली ट्रस्ट कर सकते हो बिकॉज कोटक बैंक इसका फादर कंपनी है, तो डेफिनेटली यू कैन ट्रस्ट इट, कोई डाउट नहीं है. तो ये थे आपके लिए टॉप 10 बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर्स इन इंडिया फॉर 2023. तो मेक श्योर आप वेबसाइट भी चेक करते रहिए बिकॉज हर 2 से 3 दिन में मैं एक ना एक आर्टिकल इस पर अपलोड करता हूँ एंड वो भी अच्छा खासा. आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी वगैरह भी मैं अपलोड कर चुका हूँ इस पर. जो स्ट्रैटेजी मैंने अपलोड करी है उससे काफ़ी सारे लोगों का अच्छा रिव्यू भी आया है मेरे को, मेरे क्लाइंट्स ने खुद वो स्ट्रैटेजी पसंद की है एंड वो स्ट्रैटेजी का मैं वीडियो भी बना चुका हूँ. तो ऊपर आई बटन पे आपको दिख जाएगा, आप जाके एक बार देख सकते हैं. हाँ, ये मैं भूलिएगा, मैंने आपको 2 में अकाउंट ओपनिंग की लिंक दी है, एक है पेटीएम मनी और एक है अपस्टॉक्स. दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी. अगर आप इसमें से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लाइफ टाइम के लिए फ्री में ऐड कर दिया जाएगा एंड डेली 1 से लेकर 3 एजुकेशनल पर्पज कॉल्स आपको मिलेंगे, फिर वो इंट्राडे के हो या ऑप्शंस के हो, दैट इज नॉट गारंटीड. देखिए ये लिस्ट आप हो सके तो आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा जिनको ब्रोकर ढूंढना है डिस्काउंट ब्रोकिंग, लेकिन वो कन्फ्यूज है कौन से ब्रोकर को जुड़ना है, तो ये लिस्ट उनको हेल्प कर सकती है. एंड कमेंट जरूर करके बताना कि अगर आपको लगता है कोई लिस्ट में रह गया तो हो सकेगा तो हम उसको नेक्स्ट लिस्ट में कवर कर लेंगे. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब.